हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी सबकी चल रही होगी अच्छे से। कोरोना में भी आपने हिम्मत नहीं हारनी है और तैयारी करते रहना है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ कर रहे हैं हम लोग। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं या लेबर लॉज की हम बात करते हैं, अगर आप कभी इंडस्ट्री में किसी में आपने काम किया है, आपके खुद में कोई आपके फादर जो है वो बिजनेसमैन है या अगर वो किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है इंडस्ट्री में वो होती है आपका इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन चैप्टर अब हम शुरू करेंगे, ठीक है, और ये इसका पार्ट 1 रहेगा। तो इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन आपने समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी है लेकिन इसमें से एमसीक्यू भी बनते हैं, तो बीच में मैं आपको एमसीक्यूज़ भी बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से एमसीक्यूज़ एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। बहुत से लोग जो है उनके माइंड में मिथ रहता है कि यार ये तो थ्योरी है, जहाँ पर कुछ फैक्ट आएगा ना वही हम याद करेंगे, सिर्फ वही पूछा जाएगा। तो बच्चों यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो, ये समझ लेना, ठीक है। और यूपीएससी इतनी आसान गेम नहीं खेलता, मुश्किल गेम खेलता है, तो उस मुश्किल गेम के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो वीडियो को पूरा देखना है और शेयर कर देना अगर अच्छी लगे तो, थोड़ा प्रोत्साहन मुझे इससे मिलेगा। चलिए, तो इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन पार्ट 1 शुरू करते हैं। पार्ट 1 में बेसिकली क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे कि क्या जो है डिसिप्लिन की क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब समझेंगे डिसिप्लिन का, और डिसिप्लिन का नेचर समझेंगे। जब हम नेचर की बात करेंगे तब हम देखेंगे 2 तरह के डिसिप्लिन, एक होता है आपका नेगेटिव डिसिप्लिन और एक होता है आपका पॉजिटिव डिसिप्लिन, ठीक है। इनके बारे में भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर इनडिसिप्लिन देखेंगे क्या होता है, और फिर देखेंगे मिसकंडक्ट क्या होता है और क्या किसी एक्ट में मिसकंडक्ट से रिलेटेड कोई प्रोविजंस हैं, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके फादर सर्विस करते हैं तो उसमें आप अपने फादर से बात करके देखिए, उन आपके फादर की ऑर्गेनाइजेशन की भी कोई ना कोई जो है गाइडलाइंस होंगी। आप किसी स्कूल में गए थे, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दो आप वहाँ पे काम नहीं करते लेकिन वहाँ पे भी कुछ गाइडलाइंस होती थी डिसिप्लिन की। मंडे को सबको वाइट ड्रेस पहन के आनी है, ट्यूसडे टू थर्सडे सबको, सैटरडे दूसरी ड्रेस पहन के आनी है, सारी चीज़ें, शूज़ पॉलिश्ड होने चाहिए, डिसिप्लिन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, स्कूल भी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, स्कूल भी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली फंक्शन नहीं कर सकती प्रॉपरली जब तक वहाँ पर एक इफेक्टिव डिसिप्लिनरी सिस्टम ना हो, ठीक है। अब स्कूल में अगर कोई भी ये यूनिफॉर्म वाली चीज़ को फॉलो नहीं करेगा, सब अपने अपने अलग अलग कपड़े पहन के आ रहे हैं, सो वो एक इनडिसिप्लिन उसको माना जाएगा ना, है ना। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। और इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन से ही एसेंशियल जो स्मूथ जो रनिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन की और जो इंडस्ट्रियल पीस है और हार्मनी है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल देखो क्यों स्मूथ रनिंग होएगी, फॉर एग्जांपल टूल बॉक्स है, अब सबको पता है कि टूल बॉक्स में सारे टूल्स रखे हैं, किसी को पाना चाहिए तो वो भी टूल बॉक्स में है, हथौड़ी चाहिए, किसी को हैमर चाहिए वो भी टूल बॉक्स में है। अगर अभी टूल बॉक्स वाला डिसिप्लिन ना मेंटेन करें, ठीक है, एक डिसिप्लिन बना हुआ है, एक गाइडलाइन बनी हुई है कि अगर कोई इस टूल बॉक्स से कोई भी टूल लेता है तो वो टूल बॉक्स में उसको वापस वो टूल यूज़ के बाद रखना है। अब ऐसा अगर ना हो, एक वर्कर ए जो है उसको चाहिए था हैमर, वो हैमर ले गया, ठीक है, जहाँ पे उसने काम किया वहीं पे उसने काम करने के बाद हैमर को छोड़ दिया। अब बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब किसी और को हैमर चाहिए होगा, वो हैमर ही ढूंढता रह जाएगा, उसका वर्क टाइम जो है सारा हैमर ढूंढने में निकल जाएगा, समझ रहे हो। उससे क्या होगा, स्मूथ जो रनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो नहीं हो पाएगी। फिर बी को हैमर चाहिए था, बी को हैमर नहीं मिला, तो बी ए के पास जाएगा, उससे लड़ने लग जाएगा कि तूने हैमर उठाया था, तूने अब बता कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा, आपस में दोनों लड़ पड़ेंगे, उससे पीस एंड हार्मनी खराब हो जाएगी। तो पीस और हार्मनी और स्मूथ रनिंग दोनों के लिए डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ठीक है। अब डिसिप्लिन का बेस क्या है, एक इंडस्ट्री में डिसिप्लिन का बेस क्या है, डिसिप्लिन का बेस है एम्प्लॉय का बिहेवियर, कि उसका बिहेवियर कैसा है। अब इस केस में अगर ए जो है उसका बिहेवियर ऐसा नहीं होगा कि वो जो सामान जहाँ से उठा रहा है वहाँ पे उसको नहीं रख रहा, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एम्प्लॉय के बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये डिसिप्लिन जो है ये मैनेजमेंट के हाथों में बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल है डेवलपिंग के लिए, ताकि वो जो है डिसिप्लिन के ज़रिए एम्प्लॉय फोर्स को जो है स्टेबलाइज कर सके, उनके वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर सके। ऑलराइट, अब कुछ जो डिसिप्लिनरी इश्यूज आते हैं एक इंडस्ट्री में या एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो है एब्सेंटिज्म, ठीक है, एक दिन आए फिर अगले दिन छुट्टी, रोज़ नहीं आ पा रहे। अब आपने 100 वर्कर्स रखे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 100 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्शन के लिए, पर ये 100 वर्कर्स की आपने 100 वर्कर्स रख लिए फिर भी आपको कमी हो रही है, क्योंकि एक दिन 50 आते हैं, एक दिन 50 नहीं आते। एब्सेंटिज्म है ना, टार्डीनेस है, काम आलसी है, ठीक है, पिल्फरेज, डैमेजिंग प्रॉपर्टी, टेम्परिंग विद सेफ्टी डिवाइसेस, प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, सेफ्टी डिवाइसेस को टेम्पर कर रहे हैं, इक्विपमेंट को मिसयूज कर रहे हैं, ढंग से यूज़ नहीं कर रहे, ब्राइबरी, एल्कोहल पीकर काम कर रहे हैं, इनसबॉर्डिनेशन, अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर रहे, नेग्लिजेंस है काम करने में। तो इन सबको क्या कहा जाता है, ये डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है। हम धीरे धीरे सबके बारे में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे कि क्या आप किस वजह से कौन सी प्रॉब्लम आती है। ओके, पार्ट 1 बेसिकली एक जनरल लेक्चर है। चलिए, तो अब यहाँ से हम मीनिंग समझ सकते हैं ना डिसिप्लिन का। तो डिसिप्लिन को हम डिफाइन कर सकते हैं एक तरह का एटीट्यूड, ठीक है, और इस एटीट्यूड ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये एटीट्यूड हमें हेल्प करता है एक तो रिस्ट्रेंट में। रिस्ट्रेंट किस चीज़ से, रिस्ट्रेंट मतलब कि खुद को रोकने में, किस चीज़ में हम रोकना चाहते हैं खुद को, जो इनडिसिप्लिनरी एक्शंस हैं, जैसे एब्सेंटिज्म हो गया या केयरफुल यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। अपने आप को रोकें, रिस्ट्रेंट करें कि नहीं, हमें प्रॉपर्टी को केयरफुली यूज़ करना ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है, एंड ऑर्डरली बिहेवियर, गाइडलाइंस को फुलफिल करते हुए, ठीक है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बात करें तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, अ स्टेट ऑफ ऑर्डर, कि एक ऑर्डर मेंटेन्ड है जिसको सारे मेंबर्स जो हैं वो फुलफिल कर रहे हैं। अब अगर 100 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर 10 लोग इस ऑर्डर को फुलफिल कर रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, 50 लोग कर रहे हैं तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला, 100 के 100 जब इसको फॉलो करेंगे तब एक सिस्टम बनेगा, ठीक है। एंड डिसिप्लिन इज अ प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर फॉर डिजायर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस डिजायर करती है उस डायरेक्शन में डिसिप्लिन के थ्रू आप ह्यूमन बिहेवियर को लेकर जा सकें। ऑलराइट, अब इसको, डिसिप्लिन को आप इस तरह से भी देख सकते हो कि इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें एम्प्लॉय अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर सके, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल अगर उसके अंदर होगा तो वो कॉपरेट कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स और स्टैंडर्ड्स के साथ। अगर उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, अब एल्कोहलिज्म हमने देखा, तो अगर अब ये रूल बना हुआ है कि डिसिप्लिनरी रूल है कि नो वन विल वर्क व्हेन ही इज ड्रंक, या शराब पी के आप काम नहीं करेंगे, या वर्किंग आवर्स में आप एल्कोहल नहीं ड्रिंक करेंगे। अब अगर एम्प्लॉय के ऊपर उसका सेल्फ कंट्रोल है, उसको पता है कि ये मेरे वर्किंग आवर्स है, मुझे इस टाइम पर जो है सोबर रहना है, देन इट विल बी ऑल गुड। पर अगर उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, आप 50 नियम कानून बना लो, शराबी आदमी तो शराब पिएगा, समझ रहे हो। तो ये सारी कहानी है। तो 3 चीज़ें, एक तो उसको रिस्ट्रेंट रखेगा, बिहेवियर उसका ऑर्डरली बनाएगा, एक स्टेट ऑफ ऑर्डर लेकर आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, और एम्प्लॉय का सेल्फ कंट्रोल प्रोसेस जो है उसको बनाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन को आप 2 एस्पेक्ट्स में डाल सकते हो, एक होता है आपका नेगेटिव डिसिप्लिन और एक होता है आपका पॉजिटिव डिसिप्लिन। दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नेगेटिव डिसिप्लिन। नेगेटिव डिसिप्लिन जो है ये आपका ट्रेडिशनल है अप्रोच में, ठीक है। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ रूल्स और रेगुलेशंस को मानते तो हैं, पर वो ऐसा नहीं है कि उनके मन से आवाज़ निकलती है कि नहीं मुझे रूल्स और रेगुलेशंस को मानना है। वो पनिशमेंट के डर से रूल्स और रेगुलेशन को मानते हैं कि अगर मशीन ख़राब हो गई तो एम्प्लॉयर जो है मुझसे इसके पैसे ले लेगा, ठीक है, या मैंने अगर छुट्टी मारी तो मेरी डबल सैलरी कट होएगी। ये क्या है, पनिशमेंट का डर। और इस पनिशमेंट के डर से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, ठीक है। पनिशमेंट कोई भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेनल्टी हो सकती है, फाइन हो सकता है, डिमोशन हो सकता है, उसकी पोस्ट से उसको नीचे वाली पोस्ट पे भेज देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे उसका, ठीक है, कहीं और ट्रांसफ़र कर देंगे, कहीं दूर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो फियर ऑफ पनिशमेंट है ना, ये एम्प्लॉयज़ को फोर्स करता है नॉर्म्स और रूल्स को फॉलो करने में। लेकिन अब क्योंकि ये फोर्स कर रहा है, इसको एम्प्लॉयज़ दिल से नहीं कर रहे। इसमें ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड हैं या उनके अंदर वो वननेस वाली फीलिंग है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और इसी वजह से इस तरह के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अपना गोल नहीं समझते। दे डू नॉट परसीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एज देयर ओन गोल्स। वो ये समझते हैं कि हाँ भैया मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मेरे को पैसा मिल रहा है, बस जयराम जी की। ये होता है आपका नेगेटिव डिसिप्लिन। इसके डिफरेंशिएटेड, कंप्लीटली इससे डिफरेंशिएटेड इज योर पॉजिटिव डिसिप्लिन। अब पॉजिटिव डिसिप्लिन में क्या होता है, इसमें प्यूनिटिव एक्शन नहीं है पॉजिटिव डिसिप्लिन में, ठीक है। और क्योंकि इसमें प्यूनिटिव एक्शंस नहीं है, इस तरह के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं दे विलिंगली कन्फर्म, वो विलिंगली फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। और नेगेटिव डिसिप्लिन से पॉजिटिव डिसिप्लिन में जब हम आते हैं तो वर्क प्लेस में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि जहाँ पर पॉजिटिव डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है ना, वहाँ पर एजुकेटेड लोग काम करते हैं, अवेयर वर्किंग क्लास है, वहाँ पर ट्रेड यूनियन अच्छे से ग्रो हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि मेन जो एम है पॉजिटिव डिसिप्लिन का वो क्या है कि एम्प्लॉयज़ के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं, धमका के नहीं, उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लेकर के आना है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनको डर से नहीं डिज़ायर से, इच्छा से इंश्योर करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को वो अपना गोल समझना शुरू कर देंगे, ठीक है। और ऐसा डिसिप्लिन जो है वो और अचीव किया जा सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स। आप रिवॉर्ड करें उनको, ठीक है। नेगेटिव में आप पनिश कर रहे थे तो पॉजिटिव में आप उन्हें रिवॉर्ड भी तो करें अगर वो अपना अच्छा डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड थ्रू इफेक्टिव लीडरशिप, अगर लीडरशिप जो है विजनरी है तो वो इस तरह के एक्शंस ले सकते हैं। ऑलराइट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह आएगा, यूपीएससी का खेल समझते हैं। आप अभी तक बहुत से बच्चों को लग रहा होगा सर ये इतनी बकवासें कराए जा रहे हो, पेपर में क्या, हमारा तो एमसीक्यू आना है, हमने कौन सा आंसर लिखने हैं ईपीएफओ के पेपर में। तो बेटा ये रहा एमसीक्यू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नेगेटिव डिसिप्लिन। पहली बात, जब भी क्वेश्चन आएगा बार बार बता चुका हूँ, इसको तो गोला लगा लेना है। ट्रू, ट्रू की जगह नॉट ट्रू भी हो सकता था, ठीक है, नॉट करेक्ट भी हो सकता था, तो खेला बदल जाता, बिल्कुल आंसर बदल जाता, बिल्कुल। ट्रू के साथ करेक्ट भी लिखा जा सकता था, राइट भी लिखा जाता, तो खेल सेम रहता। अब ट्रू वाला खेल है। अबाउट नेगेटिव डिसिप्लिन के बारे में पूछा गया, पॉजिटिव डिसिप्लिन के बारे में भी पूछ सकता है इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें एम्प्लॉयज़ विलिंगली कंफर्म करते हैं, विलिंगली फॉलो करते हैं रूल्स और रेगुलेशन को ऑर्गेनाइजेशन के। पहला स्टेटमेंट तो भैया ठीक है, हमने देखा ट्रेडिशनल अप्रोच है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि दूसरे स्टेटमेंट में हमने देखा था कि यहाँ पे विलिंगली नहीं फॉलो कर रहे, यहाँ पे तो पनिशमेंट के डर से फॉलो कर रहे हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, वन ओनली। यूपीएससी का खेल ये है, समझ गए। चलो अभी एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा आगे चल के, चिंता मत करो, थ्योरी में से क्वेश्चन निकलते हैं। यूपीएससी बहुत स्मार्ट है, उसको जज करने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू यू नो बी स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ देम, और तैयारी कॉम्प्रिहेंसिवली करो, समझ रहे हो। चलो अब बात करते हैं इनडिसिप्लिन की। ये क्या है, स्कूल में गए, जाकर झगड़ा हो गया, क्या है, इनडिसिप्लिन है। इससे क्या होगा, स्कूल में स्कूल का माहौल खराब होता है बिहेवियर की वजह से, बाकी के बच्चे तुम्हें देखेंगे, कल को वो भी लड़ेंगे, समझ रहे हो, स्कूल का नाम खराब होता है। अब देखो, एम्प्लॉयज़ में इंडल्ज इन डेफिनेट बिहेवियर्स व्हेन दे वॉयलेट ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड नॉर्म्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अब रूल्स एंड नॉर्म्स बनाए हैं, अगर वो वॉयलेट कर दिए तो इसका मतलब एम्प्लॉय जो है वो, उसका बिहेवियर सही नहीं है, ठीक है। और ये फंक्शनिंग के लिए डिट्रीमेंटल रहेगा। अब दो एम्प्लॉय ऐसे लड़ पड़े आपस में, ठीक है, जबकि रूल बना हुआ है कि अगर दो एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो आपको मैनेजमेंट के पास जाके इशू को रिजॉल्व करना है, आपस में हाथापाई नहीं करनी, लेकिन आप लगे हाथापाई करने। अब जब भी कोई कन्फ्लिक्ट होगा सब लोग हाथापाई करेंगे, ठीक है, इनमें से एक दोनों को चोट लग जाएगी, हड्डी पसली टूट जाएगी, दोनों काम पर नहीं आ पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का हो गया नुकसान, है ना। तो डिट्रीमेंटल तो है ना ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। तो इनडिसिप्लिन बेसिकली क्या है कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, अगर एम्प्लॉयज उसको फॉलो नहीं कर रहे, उसको कंफर्म नहीं कर रहे, चाहे वो फॉर्मल रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो इनफॉर्मल रूल्स हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, एम्प्लॉयज का इनडिसिप्लिन। गॉट इट। चलिए अब कुछ कॉजेज इनडिसिप्लिन के क्या हो सकते हैं, जरूरी है समझना, जैसे कि अनफेयर प्रैक्टिसेस बाय मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रही है, वेजेस में डिफरेंस है, वेजेस में डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, ठीक है, फेवरिज्म है, वहाँ पर एक एम्प्लॉय को ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, सेम काम करने वाले दूसरे एम्प्लॉय को कम तनख्वाह मिल रही है, तो वो नहीं करेगा फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर ऐसा है कि आपको सिर्फ आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, उसके अलावा आप वॉशरूम भी नहीं जा सकते, समझ रहे हो। कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कोई, कि अगर कोई आपको शिकायत है तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि आप वो शिकायत लेके किसके पास जा सकते हो। लीडर अच्छे नहीं है, इफेक्टिव लीडरशिप नहीं है, कम्युनिकेशन बैरियर है मैनेजमेंट, मैनेजर में और आप में कम्युनिकेशन बैरियर है, ठीक है। ट्रेड यूनियन जो है वो पॉलिटिसाइज्ड है। ट्रेड यूनियन एम्प्लॉई का भला देखने की जगह अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपनी पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सोच रही है। ऐसे केसेस में क्या होगा? इनडिसिप्लिन। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, इस तरह से बन सकता है ना कि इनमें से कौन सा कॉज बन सकता है इनडिसिप्लिन का ऑर्गेनाइजेशन में? लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, कम्युनिकेशन बैरियर, पॉलिटिसाइज ट्रेड यूनियन। ठीक है, अब आप कहोगे लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप क्यों? भैया लीडर ही नहीं जब तुम्हारा अच्छा, तो तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन कहां से आएगा? अगर तुम्हारा लीडर ही नहीं अच्छा तो तुम कैसे डिसिप्लिन रहोगे? अब क्लास में मॉनिटर बनाया जाता था जो बाकी बच्चों को चुप कराता था। अगर मॉनिटर जरा सी बात कर देता था फालतू, सारे बच्चे शिकायत लेके पहुंच जाते थे टीचर के पास कि मैम ये तो खुद बहुत बातें करता है, ये हमें क्या चुप कराएगा? और ना फिर बच्चे चुप होते थे। कम्युनिकेशन बैरियर, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे आपस में तो कैसे डिसिप्लिन मेंटेन होगा? ट्रेड यूनियन पॉलिटिसाइज्ड है, एम्प्लॉय का सुख दुख सुनने की जगह वो अपना पॉलिटिकल गुरु होके अपनी बातें सुन रहे हैं। तो क्या हो गया? तीनों हो गए ना आंसर। रीजन होना चाहिए। अभी इसमें तो तीनों थे, तो ऐसा नहीं होगा कि पेपर में भी ऑलवेज 1, 2 एंड 3 होगा। कुछ ऐसा रीजन होगा जिसको आप नहीं कर सकते, दिमाग चलाना पड़ेगा वहां पे। समझ रहे हो? चलो, अब इनडिसिप्लिन और भी किसी रीजन की वजह से हो सकता है कि अब डिले है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में। एक आदमी ने दूसरे को बिना बात के पीट दिया, अब उस बंदे की जो दिक्कत थी उस पर सुनवाई नहीं हो रही, तो वो कहेगा आगे से यार मैं भी लड़ाई झगड़ा ही कर लिया करूंगा। ठीक है, प्यूनिटिव मेजर्स लगा दिए, पनिशमेंट दे दी बिना बात के, ट्रांसफर कर दिया दूसरी जगहों पे शॉर्ट नोटिस पे, या ट्रेड यूनियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। समझ रहे हो? तो ये सारा जो इनडिसिप्लिन है ये पूरी की पूरी वर्कफोर्स को खराब करता है, मोराल सबका डाउन होता है। मॉनिटर अगर बात कर रहा है तो सारे के सारे बात करने शुरू हो जाएंगे, पूरी क्लास का माहौल खराब हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर होती है, और क्लास का माहौल खराब हो गया तो उससे सिर्फ इंडिविजुअल पे इफेक्ट नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ गया। बगल की जो क्लास है उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं पढ़ पाएंगे, शोर आ रहा है सामने वाली क्लास में से। समझ रहे हो? तो इनडिसिप्लिन के ये नुकसान है। अब इनडिसिप्लिन से ही एक दूसरी टर्म आती है हमारे पास, मिसकंडक्ट। थोड़ा डिसिप्लिन जो है डिफरेंस आ जाता है इनडिसिप्लिन और मिसकंडक्ट में। इनडिसिप्लिन इज बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप काम कर रहे हो, जो आपके वर्किंग आवर्स हैं उसमें आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो। मिसकंडक्ट बेसिकली क्या होता है कि एम्प्लॉय के ऐसे एक्शंस जो एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट को खराब कर रहे हैं या जो एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट को डैमेज कर रहे हैं और उसकी रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हैं। अब मिसकंडक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, जब जो आपके नॉन वर्किंग आवर्स हैं, जो आपके ऑफ आवर्स हैं, अगर आप उसमें भी मिसकंडक्ट कर रहे हो वो भी दिक्कत है। अब फॉर एग्जांपल आप ईपीएफओ में आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है, आप बन गए ईपीएफओ के अफसर। ठीक है, अब आपको आदत है पीने की दारू। सुबह से शाम तक तो आप ठीक होते हो, 10 से 5 आपका जब काम करने का टाइम है तब तो आप ठीक होते हो, रात को 8 बजे आपका खुल जाता है 8 PM, और 8 PM पीने के बाद आप निकल जाते हो सड़कों पे, आप मचाते हो हू हल्ला, जिससे होते हैं लोग तंग। लोगों ने कर दी पुलिस में कंप्लेंट, पुलिस को पता चला कि आप वो ईपीएफओ के मुलाजिम। ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन तक बात पहुंचेगी, हायर अथॉरिटीज तक। अब वो हायर अथॉरिटीज कहेंगे कि यू आर स्पॉइलिंग द नेम ऑफ ईपीएफओ एज ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हो? और फिर आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो मिसकंडक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए नहीं होता। मिसकंडक्ट अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रहते हुए भी कर रहे हो और उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको भी मिसकंडक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब मिसकंडक्ट है क्या? मिसकंडक्ट किसको माना जाएगा? तो ये काम है मैनेजमेंट का डिटरमाइन करना। मैनेजमेंट अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स निकालेगा और उसमें वो मेंशन करेगा कि ये चीज़ें जो हैं ये मिसकंडक्ट काउंट होएगी। अब ये बात समझ लो यहाँ पर कि अगर एम्प्लॉयर ने स्टैंडिंग ऑर्डर में लिख दिया कि ये मिसकंडक्ट है तो उसको माना जाएगा कि ये मिसकंडक्ट की एक्टिविटी है। अगर वो स्टैंडिंग ऑर्डर में उसने नहीं मेंशन की, अगर उसने उसको नहीं डिफाइन किया, तो उसको मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा। तो कोई भी एक्टिविटी जो स्टैंडिंग ऑर्डर में उसने मेंशन किया कि ये एक्टिविटी मिसकंडक्ट किया, तो सिर्फ उसी को माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर ओपन है कि कुछ भी कह दे कि हाँ ये भी मैं कह रहा हूँ मिसकंडक्ट है, ये भी। उसको स्टैंडिंग ऑर्डर में उनको लिखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? उसके बाद अब आपका एक एक्ट होता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, इसका शेड्यूल 1 होता है। अब इसके शेड्यूल 1 में एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर दिया गया है। जिसमें बताया गया है कि ये एक्ट और ओमिशन जो है इसको मिसकंडक्ट ट्रीट किया जा सकता है। वो क्या है? सबसे पहले विलफुल इनसबॉर्डिनेशन और डिसोबीडियंस। आप अपने सुपीरियर की बात जानबूझकर नहीं मान रहे, चाहे अकेले चाहे ग्रुप में। आप ये बहाना नहीं लगा सकते कि मेरे साथ 10 और एम्प्लॉयज थे जो नहीं मान रहे थे, तो 10 के ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, कोई भी अगर रीजनेबल ऑर्डर है सुपीरियर का या लॉफुल ऑर्डर है तो आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा। ये सारे कायदे कानून ना सरकारी ऑर्गेनाइजेशनों में बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो इनको ध्यान से सुन लो, जब अफसर बन जाओगे तब भी काम आएंगे। ठीक है, थेफ्ट, फ्रॉड, डिसऑनेस्टी मिसकंडक्ट है ये तो। विलफुल डैमेज किया अगर एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को, एम्प्लॉयर के गुड्स को। ब्राइब लेने की कोशिश की, रिश्वत, इलीगल ग्रेटिफिकेशन। उसके बाद हैबिचुअल एब्सेंस, बिना बात के छुट्टी ले रहे हो और छुट्टी लेने से पहले लीव एप्लीकेशन भी नहीं दे रहे। ठीक है, उसके बाद हैबिचुअल लेट अटेंडेंस, लेट आना ऑफिस में, 10 बजे का टाइम है 12 बजे पहुंच रहे हैं साहब। हैबिचुअल ब्रीच ऑफ एनी लॉ एप्लीकेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट, कोई लॉ बना है कोई एक्ट बना है उसको आप जानबूझकर ब्रीच कर रहे हो। डिसऑर्डरली बिहेवियर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, बदतमीजी से बात कर रहे हो बाकी के लोगों से। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? डिसऑर्डरली बिहेवियर होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उनको नहीं फुलफिल कर रहे, तो ये सब क्या होगा? मिसकंडक्ट। चलिए, ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका हैबिचुअल नेग्लिजेंस, कर रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो काम को, कामचोर हो। ठीक है, फ्रीक्वेंट रेपिटेशन ऑफ एनी एक्ट और ओमिशन फॉर विच अ फाइन मे बी इम्पोज टू अ मैक्सिमम ऑफ 2% ऑफ वेजेस इन अ मंथ। ऐसा कोई काम है जिसके ऊपर आपको पहले भी फाइन लग चुका है, ऐसी कोई गलती है उसको आप फिर भी रिपीट करे जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद स्ट्राइकिंग वर्क और इंसाइटिंग अदर्स टू स्ट्राइक, ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के दूसरों को भड़काऊ भाषण दे रहे हो कि स्ट्राइक करो स्ट्राइक करो, चलो स्ट्राइक स्ट्राइक खेलते हैं। तो ये सारे जो हैं आपके ऑर्डर में लिखे गए हैं 1947 के। ऑलराइट, चलिए, तो ये था मिसकंडक्ट। अब आज के लेक्चर में हमें समझना था इतना ही। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या समझेंगे कि कैसे इंडिसिप्लिन को हैंडल किया जाता है या क्या प्रोसेस है अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का, वो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मज़ा आया होगा आई होप, और क्वेश्चन भी पता चल गए होंगे कि किस तरह से पूछे जा सकते हैं। याद रखना, यूपीएससी के साथ खेल रहे हो, ठीक है, और किसी एग्जामिनेशन बॉडी के साथ खेल रहे होते तो थोड़ा लाइट चलते, लेकिन यहाँ पे खेल किसके साथ है? यूपीएससी के साथ। अब देखो, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी दिख जाएगी 1 कंसेप्ट अ डे, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करता हूँ। ठीक है, जो भी न्यूज़ में चल रहा होता है उससे रिलेटेड कोई ना कोई कंसेप्ट उठाता हूँ और उस कंसेप्ट को पूरा तोड़ मरोड़ के निचोड़ के तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, तो ये ज़रूर देख लेना वीडियोस, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल अगर पहली बार आए थे चैनल के ऊपर, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। बहुत सारा मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है जी, चलिए, तो आई होप मज़ा आया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, और ईमेल आईडी है हमारी sikshit@gmail.com, तो लगा ही लेना। ठीक है, इतना तो पता ही है तुम्हें। चलो ठीक है जी, बाय बाय।